हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता स्मिकर में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ, पूरे फुल स्टेप सिखाने वाली हूँ। हेड मसाज कैसे करनी है, पूरे प्रेशर पॉइंट हर चीज़ बताऊँगी। और ये मैं अपने ऊपर ही करवा रही हूँ हस्बैंड से। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये प्योर सरसों का तेल, और मैं यही यूज़ करती हूँ, सबसे अच्छा है बालों के लिए। आप जो भी यूज़ करना चाहते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ करो, या सरसों का यूज़ करो, या फिर आंवले का तेल, आलमंड ऑयल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। पहले हमने पार्टीशन कर लेना है फोर सेक्शन, और पहले सेंटर पार्टीशन में सारा ऑयल लगाना है अच्छे से। और ये कॉटन से लगा रही हूँ मैं, ये मैं हस्बैंड से करवा रही हूँ हेड मसाज। और ये हॉट ऑयल लिया है मैंने, ये मैं आपको चीज़ बता दूँ कि हॉट ऑयल लिया है ये। इससे क्या है, स्कैल्प जो है थोड़े से मजबूत होते हैं और ड्राइनेस कम होती है। और कॉटन से हम डिप कर करके स्कैल्प पे अच्छे से लगाएंगे ऑयल को। थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है हॉट ऑयल, और पार्टीशन कर करके हमने ऐसे लगवाना है। अगर आप किसी क्लाइंट के कर रहे हैं या घर में किसी की कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए। काफ़ी अच्छी हेड मसाज, पूरी एंड तक आप देखना, ये बहुत अच्छी वीडियो है और काफ़ी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं वीडियो से रिलेटेड, कुछ व्लॉग्स भी डाल रही हूँ मैं आजकल थोड़े बहुत, तो वो भी सारी वीडियो देखिए मेरी। और अब ऑयल जो है अप्लाई हो चुका है स्कैल्प पे, अब इस तरह से मसाज करनी है जिस तरह से आप देख रहे हो वीडियो में। इससे जो है स्कैल्प की मसाज हो रही है, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। हॉट ऑयल का बहुत फ़ायदा होता है, हॉट ऑयल थोड़ा सा गुनगुना करके अगर आप स्कैल्प पे लगाते हो, तो आपके पहले तो आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। मैंने ये चीज़ें करके देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं क्लाइंट पे भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना ऑयल यूज़ करती हूँ, ख़ास करके सर्दियों में। और बारिश के मौसम में हमारे जो बाल हैं थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए स्कैल्प जो है हमारे ड्राई हो जाते हैं। तो हॉट ऑयल मसाज कीजिए आप, उससे आपकी जो स्किन है काफ़ी हेल्दी रहेगी और अच्छी रहेगी। जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, और ड्राई डैमेज हेयर होते हैं जैसे, बहुत ड्राई होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। तो मैंने खुद से यूज़ किया है अपने स्कैल्प पे, बालों पर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप साथ के साथ सारे प्रेशर पॉइंट देखते जाइए। ये मेरे हस्बैंड हेयर का काम करते हैं सारा, हेयर स्टाइलिश हैं, तो मैं इन्हीं से हेयर हेड मसाज करवा लेती हूँ। और ये मैं स्टेप्स आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इजी सीख सकें। ईयर के पास सारे स्टेप्स करेंगे हम अच्छे से, और हेड मसाज जो है ये थोड़ी सी शांत एरिया में करना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी शोर ना हो, ताकि क्लाइंट भी रिलैक्स रहे। आप किसी के भी कर रहे हो, घर में कर रहे हो किसी के, आप अपने मेंबर में किसी के, तो भी जो हेड मसाज होती है थोड़ा सा रिलैक्सिंग के लिए अच्छा होता है। जिनको नेक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो नेक पे भी मसाज कीजिए, इससे जो है आपकी जो नसें हैं ठीक हो जाएंगी। नेक जो है सर्दियों में स्टफनेस हो जाती है काफ़ी इसमें, तो यहाँ पे भी ऑयल लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये जो नसें हैं सारी सिर तक जाती हैं, तो नेक की तो ज़रूर मसाज करनी है आपने हेड के साथ। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए अच्छे से। और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ मुझे बताने में आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, कोई भी क्वेश्चन हो। इस तरह से सेंटर नेक पे भी अच्छे से मसाज करेंगे। ये सारे पॉइंट हैं, अब दूसरी साइड ईयर के पास सेम पॉइंट करना है जैसे इस साइड किया था।
और ऑयल को कम से कम आपने 1 घंटा रखना है सिर पे लगा के अच्छे से, ताकि जो है हमारी स्कैल्प पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और हेड वॉश करने के बाद बाल आप देखोगे कितने अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और बाल स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राइनेस फ्रीजनेस जो है कम हो जाती है। आप वीक में कम से कम 2 बार ऑयल से हेड मसाज करेंगे, हॉट ऑयल से, तो आपकी जो हेड मसाज जो इसका रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। सेम हमने बैक पे करना है अच्छे से नेक मसाज, शोल्डर की अच्छे से करनी है। और स्कैल्प पे जो है अच्छे से फिंगर से मसाज करनी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब फ्रंट ये फोरहेड पे ये प्रेशर पॉइंट जो है आप देख लीजिए अच्छे से, आईब्रोज के पास सारे पॉइंट्स करने हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग पार्ट होता है ये, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप ये पॉइंट सारे सीख जाओगे तो आपके क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे। ईयर के पास सारे ये प्रेशर पॉइंट करने हैं। फुल डिटेल में मैंने ये बताया हुआ है आपको। अब ये ऑलमोस्ट सारी हेड मसाज हो चुकी है। 1 घंटे बाद आपने शैम्पू से हेड वॉश करना है और इसके बाद कंडीशनर भी लगा सकते हो आप। और बाल जो है नॉर्मल आपने ड्राई रखना है, नेचुरल ड्राई करना है, आपने ड्रायर से नहीं करना। और बाल को कर लेंगे टाई। ओके, बाय, टेक केयर।